हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अर्षव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे दोस्तों ये डीजे कंट्रोलर। ये दोस्तों न्यू मार्क की तरफ से मिक्स स्ट्रीम प्रो और बहुत मजेदार होने वाला है। इसके अंदर इनबिल्ट आपको स्पीकर्स मिलते हैं, 7 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, यानी आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना प्लेइंग का, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसके साथ में मैं आपको एक यहाँ पे टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान सकते हैं इस प्लेयर के बारे में, या फिर खुद भी जो है वो आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। मज़ा बहुत आने वाला है। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों हमारे कंट्रोलर का बॉक्स पैकिंग। यहाँ पे आपको न्यू मार्क की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इस मॉडल की स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे ये मिक्स स्ट्रीम प्रो के नाम से जाना जाता है, जिसके आपको अंदर स्टैंड लॉन्ग स्ट्रीमिंग, यहाँ पे आपको बिल्ट इन वाईफाई, 7 इंच की यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, 3-way to connect, यानी आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप आपको मिल जाता है, पर्सनल क्लाउड मिल जाता है, इसके अलावा USB एंड SD कार्ड जो है वो आपको मिल जाता है। ये सारे के सारे जितने भी आपको ये पावर बाय देखने को मिलते हैं ना, इसमें आपको कुछ फ्री जो है वो सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाते हैं। तो इन सब के आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ अगर मैं साइट की डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको न्यू मार्क मिल जाता है। सेम यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स जो है वो मेंशन करे गए हैं, ठीक है ना। चलिए मैं अभी आपको जो है वो फटाफट से इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों ये मेड इन ताइवान प्रोडक्ट है। चलिए मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस टाइप के आपको मिल जाते हैं। ये भी आपको साइड में एक डिटेल मेंशन है जिसके अंदर आपको बिल्ट इन मॉनिटर स्पीकर्स मिलते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करते के साथ यहां पे आपके पास ये कुछ पेपर वर्क्स मिलता है। पेपर वर्क्स में आपको न्यू मार्क और केस जो है स्टिकर्स मिलते हैं, USB इंटरफेस के लिए एक वायर मिल जाती है, साथ ही साथ ये एक जो कि क्लीनिंग क्लोथ है वो भी आपको मिलता है। तो इसको आपको संभाल के रखना है, कुछ डिटेल्स भी आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप इसको ऑनलाइन जो वो कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हैं और कुछ सब्सक्रिप्शंस भी आपको फ्री मिल जाती हैं, तो वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इसके अलावा जो कि है हमारा इस साइड पर आपको ये इसका अडैप्टर मिलता है, ये आपको एक अडैप्टर मिल जाता है। इसके लिए आपको ये जो है वो वायर अटैच करने के लिए एक वायर मिल जाती है। ये जो है वो दोस्तों अभी आपको आपका कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। चलिए मैं इसको निकालता हूँ। और थर्माकोल की पैकिंग दी गई है, काफी स्ट्रॉन्ग पैकिंग इसमें हमें मिल जाती है। तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं कंट्रोलर का यहाँ पे फ्रंट पैनल। बेसिकली दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा सिंपल सा है, बाकी की तरह जितने मैंने आपको कंट्रोलर्स दिखाए हैं या फिर प्लेयर्स दिखाए हैं वहां पे इसकी तरह में मतलब कहते ना कि अगर बिगिनर है, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, डीजे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपको जो है वो इंटरफेस का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कि है ये जॉक व्हील्स, ये दोनों आपको यहाँ पे डेक 1 डेक 2 के जो है वो हाईलाइटर होंगे। इसके अलावा ये बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। एक बड़ा मॉडल है यहाँ पे किसी कंपनी का, उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन आती है, यानी टच स्क्रीन आती है, वो आपको यहाँ पे मिल जा रही है। शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं डेक 1 से। तो यहाँ पे आपको ऊपर मिक्स यानी आपके ये हेडफोन के वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं। यहाँ पे तो आपके जो कि लेफ्ट साइड है इस वाले डेक में आपको आपके हेडफोन के मिलते हैं, जो कि राइट साइड है वहाँ पे आपको मिलते हैं आपके मेन और स्पीकर्स, यानी ये वाले जो स्पीकर्स है ना इसके आपको वॉल्यूम नोब्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये स्क्रैच का आपको बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे सिंकिंग के लिए क्यू और यहाँ पे प्ले एंड पॉज के लिए ये आपको हाईलाइट करे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये क्यूज के आपके जो लूप्स बटन्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इनमें भी आपको ऑप्शंस हैं कि क्यू है, सेव्ड लूप है, इसके अंदर ऑटो लूप है, रोल है, बहुत सारे जो कि हैं इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पिच बैंड्स आपके पास प्लस माइनस आप कर सकते हैं, ये आपका BPM फैडर हो जाता है। साइज में ठीक है, यहाँ पे आप अपने अगर बिगिनर्स हैं या फिर ठीक है, ये साइज जितना आपको प्लस माइनस दे रखा है ये ओके हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास ये फिल्टर हो जाता है लो हाई का, ठीक है ना, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। ये लाइटनिंग का आपको जो है वो बटन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कि ये फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है हमारे डेक 2 के अंदर, और ये जो है वो ये वाला बटन और ये वाला जो कि आपको बटन देखने को मिलता है ये दोनों थोड़े से अलग है। ये बेसिकली कनेक्शंस के लिए है, अब वाईफाई कनेक्शंस या फिर कुछ सेटिंग्स आपको करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पोर्शन है आपका आउटपुट या फिर मिक्सिंग एरिया जहाँ से आप मिक्सिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल है लेवल 1 हो जाता है, यानी हमारा जो कि डेक का लेवल होता है वो हो जाता है। ये ट्रेबल हो जाता है, मिड बेस आपको तीनों ही मिलते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये जो कि इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे इसमें ये जो फीचर्स आपको दिए ना, ये बहुत मज़ेदार है भाई, जब चलाओगे ना मज़ा आ जाएगा। तो आपने मान लीजिए कि मैंने एको या फिर डिले या फिर PSHR या फिर फ्लिंगर जो है वो आपने इफेक्ट सेलेक्ट करा, ठीक है ना, अब मुझे इसको सिंपली किसी भी डेक पे होल्ड करना है, मैं होल्ड पर डाल दूंगा, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा चाहिए यार बस, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से प्ले इसको कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जैक्टली इसमें भी सेम, इसमें भी सेम है, ये आप यहाँ से जो है वो हेडफोन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये दोनों पे, इस पर बैकलाइट के साथ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके ये मेन फेडर्स हो जाते हैं, यहाँ पे डेक 1 डेक 2 के लिए इंडिकेटर्स भी जो है वो आपको मिलते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है ये स्क्रीन का, यानी आप जब स्क्रीन के अंदर टच तो खैर है लेकिन आपको मैन्युअली भी काम करना, तो यहाँ पे ये जो है वो आपको रोटरी नोब्स देखने को मिलता है, डेक 1 पर लोड कर सकते हैं, डेक 2 पर लोड कर सकते हैं, बैक है, ये आपका व्यू हो जाता है, बहुत सारे फीचर्स हैं जब आप यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मालूम चलेगा। अगेन यहाँ पे ये जो बड़े बड़े आपको पोर्शन देखने को मिलते हैं ये ब्लैक से, ये है दोस्तों स्पीकर ग्रिल्स, इसके अंदर दो स्पीकर्स जो है वो यूज़ मिले गए हैं, हर एक डेक के नीचे दो और दो स्पीकर्स यूज़ मिले, इसका जो कि यानी डायरेक्शन है वो एक तो ऊपर है एक नीचे की साइड है, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में जो कि आउटपुट मिलेगा वो कम नहीं मिलेगा। तो अगेन आप अगर एक अकेले आप इसमें से टेस्टिंग या फिर खुद के लिए आप चला रहे हैं तो इनफ है स्पीकर का, जो कि आवाज़ है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये तो हो जाता है इसका फ्रंट का डिटेल, और चलिए हम बैक साइड भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों प्लेयर का बैक साइड, अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये आपको आउटपुट्स मिल जाते हैं मेन आपके, जो कि आपको एक्सलर्स एंड आरसीज दोनों में ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आप इसमें इनपुट्स यानी दो तो आपको USB मिल जाते हैं, इसके साथ साथ आपको एक बड़ा वाला जो SD कार्ड ऑप्शन होता है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब इस बात का आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप एक भी USB इसमें इंसर्ट करते हैं यानी लगाते हैं तो जो कि आपका डेक 1 और डेक 2 है आप सेम USB से सेम टाइम जो वो प्ले कर सकते हैं इसके साथ में। ये मत समझना है कि यहाँ पे डेक 1 का USB हो गया डेक 2 का हो गया, ठीक है ना, ये दोनों ही USB आपको ऑप्शन दे देंगे कि अगर आप एक ने पे लगाया हुआ है तो दूसरे पे भी आप जो लगा के काम कर सकते हैं। ये USB इंटरफेस के लिए आपको यहां पे मिल जाता है, इसके अलावा ये ग्राउंडिंग के लिए आपको मिलता है, ये यहाँ पे ये पावर इनपुट जो है वो इसका आपको DC इनपुट मिल जाता है, ये सिंपल वन क्लिक वाला जो है वो पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये तो हो जाता है इसका पूरा बैक साइड। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको हेडफोन के ऑप्शंस मिलते हैं वो दोनों ही आपको मिल जाते हैं, यानी आप TSB यूज़ में ले सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 3.5 mm जैक जो है वो भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। न्यूमा की अगेन यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको ये एक माइक ऑप्शन भी मिलता है, माइक के लिए सेपरेटली यहाँ पे एक नोब दिया गया है, आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले कैसे वर्केबल है, टच रिस्पॉन्स कैसा है, अभी तक तो सारी डिटेल आप देख चुके हैं। चलिए मैं यहाँ से प्लेयर को ऑन करता हूँ, सिंपली वन क्लिक पर ये ऑन हो जाता है, और इसका जो स्टार्टिंग होता है ना मतलब काफ़ी अमेजिंग से लाइट हमें देखने को मिल जाती है, और कुछ इस प्रकार का जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मेंशन रहेगा इंजन DJ, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये ऑन हुआ है यहाँ पे तो आपको सबसे पहले जो कि है आपको ब्राउजिंग करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी सारे जो सैंपल्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है आपको सेटिंग्स का यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इफेक्ट्स के अंदर, सोर्स के अंदर, वाईफाई आप अटैच कर सकते हैं, इसके साथ में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, यस इनबिल्ट इसके अंदर रिकॉर्डिंग आपको मेंशन रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बाहर से PC कनेक्ट करके उसके बाद रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें आप ही अंदर से कर सकते हैं। लाइटनिंग हो जाता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल में आप यहाँ से ऐसे नीचे करेंगे तब भी आप इसके अंदर सेटिंग्स में जा सकते हैं, यानी जैसे आपका फ़ोन का हो जाता है ना रिस्पॉन्स टच स्क्रीन, वैसे ही सेम आपको मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं, यूज़र प्रोफाइल में आपको ये सारी सेटिंग्स इसकी मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूज डिस्प्ले हो जाता है, डिस्प्ले का सारा डिटेल्स आपको मिलती है, सेफ्टी है, इसके अंदर सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, टाइम जोन है, वाईफाई है, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं आप इसमें जो सिलेक्ट कर सकते हैं, मिक्सर माइक सर्विस अबाउट अपडेट भी होता है, यस मैंने इसको एक बार अपडेट भी करा है, तो ये सारे ही फीचर्स जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मज़ा सा जाता है, जैसा लगता है कि आपका फ़ोन का स्क्रीन ही इसमें फिट कर गया है, और सबसे अच्छी बात जो कि टच रिस्पॉन्स है ना वो आप देख लीजिए, वाकई में यार कुछ अलग फील है इसका टच रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये दे सकते हैं, मतलब वाकई में अलग फील आ रहा है इसके टच रिस्पॉन्स में, और क्या चाहिए आपको फिर इतने बड़े स्क्रीन में। चलिए और भी डिटेल हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पीकर जो है वो कितने ज़्यादा लाउड हैं और कैसे इसकी जो है वो क्वालिटी आपको मिलती है। चलिए मैं यहाँ से सॉन्ग को प्ले करता हूँ,
मैंने यहाँ से फुल करा हुआ है। तो ये है इसके इनबिल्ट स्पीकर्स यानी इनबिल्ट मॉनिटर्स की क्वालिटी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो उसे कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल इस प्लेयर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। दिल खुश सा हो गया, मजा सा आ गया, मतलब इस आज प्लेयर को देखने के बाद वाकई में कुछ अलग काम करेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो बिल्कुल डीजे स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना कि भाई हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि हम सीख सकें। हर चीज़ उसके अंदर, हर एक जानकारी जो है वो ईजी हमें मिल रहा है, फिर ईजी टू ऑपरेट हो, और ऐसे ही इसके अंदर सारे फीचर्स जो हैं वो दी गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, और बहुत सारी सर्विसेज जो है उसके साथ में आती है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आप जो स्पीकर हैं ये देख रहे हैं, इसमें बेस जो है ना वाकई में मतलब लगता है, फील आता है कि हाँ भाई कुछ बड़े स्पीकर्स चल रहे हैं। उसका बस आप वॉल्यूम कम कर दीजिए तो वही वाला फील यहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो कि इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको 7 इंच की मिलती है, ये फुल्ली फंक्शन फुल्ली टच है जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसके साथ में आपको जो कि स्ट्रीमिंग्स और यहाँ पे प्लेइंग के लिए जो कि आपको ऑप्शन मिलते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वाईफाई आपको इनबिल्ट मिलता है, तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज भी आपको साथ में मिलती है पैकेज के अंदर, जो कि है बीट पोर्ट लिंक, इसके अलावा बीट सोर्स होता है, ड्रॉप बॉक्स है, साउंड क्लाउड है, और यहाँ पे टिडल के ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है जिसमें आपको 2 से 3 या 6 महीने के जो है वो सर्विसेज मिलेंगे। यहां पे शो हो रहा होगा तो ये आपको फ्री मिलेगा, तो आप यहां से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या फिर ऑनलाइन जो है वो आप प्लेइंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यूएसबी लगाइए शुरुआत में, तो यूएसबी लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहां पे वाईफाई कनेक्ट करिए और उन सर्विस को यूज करके आप जो है वो प्लेइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप चलाते चलाते समझ में आएगा, वाकई में अभी जो मतलब अभी मेरा पूरा देख रहे हैं कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, कैसे आपको बता पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अंदर से आती हैं जब खुश होता हूँ ना किसी प्रोडक्ट से, तो वाकई में लगता है कि नहीं यार रुकना नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी फीचर्स हैं, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यानी यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली जो है वो स्ट्रीमिंग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करने वाला हूँ, कैसे हम इसको चलाने वाले हूँ, सारी फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ, और चलिए देखते हैं। आप टेस्टिंग देखेंगे दोस्तों वो यहाँ पे पेन ड्राइव के साथ में जो है वो यूएसबी के साथ में प्ले करा जाएगा, और पूरा का पूरा जो कि आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा आएगा वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। अभी मैं ऊपर से आपको यहाँ पे अपने जुगाड़ बैठा रखा है तो पूरी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी कि हाँ ये कैसा वर्क कर रहा है और कैसे आप इसको ईजिली जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो अभी एक मॉनिटर मैं और एक्स्ट्रा लगाता हूँ ताकि आपको आउटपुट भी मज़ा आए। तो यहाँ पे पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव और अटैच करेंगे अभी बीच में हम, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए अभी हम देखते हैं टेस्टिंग। She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't need no more mental. Let me give you the picture like stats. I'm falling out in a drought. No fell rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mood was kinda lounge. Didn't know which way to turn. So it was cool, but I still feel burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'll work. Even if I don't get paid for progression, I'll get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving.
smoke strong? Your money long? Do you got racks? You got tats? Your city on the map? You niggas killing? You niggas robbing? You be balling? Are you fucking I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a phantom. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm लेकिन टेस्टिंग में कैसा लगा दोस्तों का परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। वाकई में मजा सा आ गया होगा आपको इसको टेस्टिंग देखते हुए, या फिर अभी तो आप सिर्फ टेस्टिंग देख रहे हैं, आपको इतना मजा आया। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको, जो डीजे प्ले कर रहा था वो वाकई में भर भर के तारीफ कर गया। इसके अलावा ये ऑल इन वन प्लेयर आपको हो जाता है, इसमें टच स्क्रीन है, स्पीकर्स है इसके अंदर, मतलब आपको किसी भी फीचर्स की कमी नहीं मिलेगी। और खास करके बेरिंगर्स जो है, यानी जो बिल्कुल अभी नया नया डीजे आप बनना चाहते हैं, या फिर उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसके साथ में हर एक फीचर्स, हर एक चीज में आपको जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी मिले, तो यहाँ पे ये जो आपको मिक्स स्ट्रीम प्रो मिलता है वो आपके लिए बेस्ट वाला है। इसके अलावा न्यू मार्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अभी मार्केट में, मैं देख रहा हूं काफी धूम मचा रहे हैं, फिर चाहे वो मिक्सर ले लीजिए, प्ले ले लीजिए, कंट्रोल ले लीजिए, हर एक चीज में जो है वो काफी नाम बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अवेलेबिलिटी के लिए, प्राइसिंग एक मैं आपको मोटा मोटी जो है वो आइडिया दे देता हूँ। प्राइसिंग इसका लगभग आपको 65 टू 70 के बीच में रहेगा, बेस्ट इस प्राइस में अगर मैं बात करूँ ये कंट्रोलर को। और ये जो बड़े बड़े ये आपको फीचर्स मिलते हैं, स्क्रीन है यहाँ पे, ये जॉगेबल इतना बड़ा इसका साइज आपको मिलता है, जो कि आपको ये 3-बैंड इक्वलाइजर मिलते हैं इसके अंदर, जो कि आपको आउटपुट में मिलता है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बाकी कंट्रोलर्स में। तो ये जो प्राइस है बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा कि आँख बंद करके आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी के लिए खैर मैं आपको नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।